दोस्तों, यहाँ से हमारा होटल 145 किलोमीटर पे है और टाइम लगेगा करीब 3 घंटा। रोड काफी अच्छा है, ये आगरा दिल्ली रोड है, नेशनल हाईवे 19। यहाँ पे रोड साइड में आपको काफी सारे बहुत सारे होटल्स ढाबा वगैरह मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा खाने के लिए। आपको एक जगह पे लिखा हुआ है 140% वेज, पता नहीं वो क्या भेज देगा वो। आगे में टोल गेट्स है सर, पेट्रोल पंप्स है बहुत सारे। हम लोग को पहुंचने में रात को 12 बज जाएगा, मुश्किल लग रहा है। ये पहला टोल गेट है वृंदावन से दिल्ली जाने के रास्ते में, और देखिए कितना भीड़ है यहाँ पे, भरा हुआ है टोल गेट खाली ट्रक्स में। दोस्तों, ये सेकेंड टोल गेट होगा हमारा वृंदावन से दिल्ली तक का। अब हम फरीदाबाद एंटर कर रहे हैं और बलवाल की तरफ से फरीदाबाद एंटर करेंगे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे पंजाबी बाग, जैसे एरिया का नाम है पंजाबी बाग, वहां पे जाएंगे। मत चलो दोस्तों, यहाँ पे कार का टोल चार्जेस 110 रुपीज है। वन वे का 110 रुपया है। तो आगरा से दिल्ली तक का टोल चार्जेस मैं एक बार सारे चीज को एक बार कंबाइन करके आपको बताऊंगा। 400 से 500 रुपये तक का टोल चार्जेस लगना चाहिए आगरा टू दिल्ली। यमुना एक्सप्रेस वे में आधा दूर हम लोग आए, फिर जो NH-19 लेके आए ना, फिर वहाँ पे NH-19 से भी तो 3 टोल गेट के आसपास हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उतना होना चाहिए। फॉलो दिस रोड फॉर 3 किलोमीटर। टाइम हो रहा है अभी 10:45। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अभी इंडिया गेट के पास। नेशनल वॉर मेमोरियल है राइट साइड में, और अब हम लोग जाएंगे इंडिया गेट के पास। दोस्तों, सामने में है इंडिया गेट, रात का बज रहा है 12। हम लोग अपना होटल के रास्ते में ही इंडिया गेट होकर के जा रहे हैं। तो आज है Day 3 हमारा, और हम लोग हैं दिल्ली में। आज घूमेंगे लाल किला, जो रेड फोर्ट बोला जाता है, उसके बाद जाएंगे हम लोग इंडिया गेट, कल रात में जो देखे थे उसके आसपास जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे, और अगर हो सकता है तो राष्ट्रपति भवन भी जाएंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के लिए सरोजिनी मार्केट, जो YouTube का सेंसेशन है। इवनिंग में कनॉट प्लेस और अक्षरधाम अगर हो सके तो जाएंगे। यही आज का प्लान। कल सुबह में हमें निकलना होगा अमृतसर के लिए। टर्न राइट। Mm-hmm.